आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त के बीच चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर राष्ट्रीय ध्वज लगे, इसके लिए हर आम नागरिक को राष्ट्रीय तिरंगा आसानी से उपलब्ध होगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय सहित 1070 मंडलों और जिला केंद्रों पर सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि उनका संकल्प है कि मध्य प्रदेश के हर घर पर पूरे सम्मान के साथ आम नागरिक तिरंगा फहराएं। घर घर तिरंगा अभियान के तहत देशवासियों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की गई है। विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि हर घर तिरंगा फहराया जाए, यह हमारा भाव है। तिरंगा के नाम पर राजनीति करना भाव नहीं है। तिरंगा की उपलब्धता के लिए बीजेपी ने स्थान तय किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति हमेशा से लोगों को गुमराह करने वाली रही है। वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस को भी सकारात्मक होकर प्रधानमंत्री के अभियान से जुड़ना चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो गांधी जी के विचारों को बेचकर राज किया है। चाहिए दृष्टि केवल यही होनी चाहिए। बेच रहे हो आप बेच तिरंगा को बेच नहीं रहे, तिरंगा की उपलब्धता करा रहे हैं कि यहाँ पर आप आएंगे तो आपको, मुझे मेरे घर पर तिरंगा लगाना है तो मेरे घर में तो फैक्ट्री नहीं है, मुझे कहीं से तिरंगा लेना पड़ेगा। तो कांग्रेस तो विकृत मानसिकता का राजनीतिक दल है, अब इसको ही आप कहने लग गए। अरे हम तो उपलब्ध करा रहे, तुम तो गांधी जी के विचारों को बेच करके 55 बस राज कर गए देश पर, और गांधी जी के विचारों को ही धोड़ाला इस देश के अंदर, जिस काम को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारने का काम किया है। तो आप तो विचारों को बेच रहे थे और आज भी उसी नाम को आप देश के अंदर बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि कुल मिलाकर के कांग्रेस विकृत मानसिकता का दल बन गया है।